कौन केवल रानी लुणा दे पूर्ण मल का दो मन लगा देती है। लड़का पूर्ण मल पहले ज्ञान कराता है, जब रानी लुणा दे के और लड़के पूर्ण मल के आमना सामना होता है तो रानी का दिमाग गलत दिशा में घूम जाता है। लड़का ज्ञान कराता है, ए मां तू मेरी धर्म की मां है, लेकिन रानी लुणा दे इनकार कर देती है। ज्ञान कराता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म छोड़ दे, ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म छोड़ दे, शूद्र सेवा शर्म छोड़ दे, पतिवर्ता भी धर्म छोड़ दे, झूठी करें बड़ाई मौसी, गौ माता मर्याद छोड़ दे, जब काटा गड़ा कसाई मौसी। लेकिन मां तू मेरी मां है, लेकिन वह रानी लुणा दे इनकार कर देती है और जाके आसन पाटी लेके महल में पड़ जाती है। रात को जब राजा सुलेमान आते हैं और राजा सुलेमान को पता चला कि रानी आसन पाटी लेके दुहागी महल के अंदर है, राजा को बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। जाके जब रानी का हाल चाल जानते हैं, रानी क्रोधित हो ही मिलती है। देखना हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने कैसे कैसे ज्ञान के गंडे लगाए इस रागिनी के गुण से, सुनना। अरे रानी लुणा दे, महाराज की जय हो। ओ रानी लुणा दे। हाँ महाराज, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए। किस बात की? तू एक राजा की रानी, राजा का ब्याह रखी और राजघराने की लड़की, और तेरी ये दशा। मने इस बात में भी शर्म आ महाराज कि मैं एक राजा की रानी राजघराने में ब्याह रखी, मेरी कोई नहीं चालती। अरे कोई नहीं चलती, कोई नहीं चलती। अरे न्यू तो मैं भी जानू सू, न्यू तो मैं भी जानू सू, तुम हो सो कई किस्म की, किससे तना करो दोस्ती तो तेजी से जिसम की, इज्जत लो खुद तार खसम की, सी हो से जात धारी, और आसन पाटी ले पड़ी तेरे कौन सी से बीमारी। बीमारी बीमारी तो बहुत बड़ी है महाराज तेरे। हाँ अरे नहीं, अरे कते वाह बन गई हो के तू बेटे तसर मां गई, के तू बेटे तसर मां गई, के कुछ बात नगाह में आ गई, जुनसी पीरा की लुकमा जात, मर्दा की बुद्धि अड़न है, वो सी थर थर कांप तेरा गात, कई बोली पड़न। वह बीमारी तो नहीं, इसी कोई बात नहीं, आप अपनी बात बताइए और मेरी ध्यान बात ध्यान तो सुनियो। ए रूठ क्यों तड़र पड़ी मेरी ना, हो मने मत ना छेड़े भरता, सुनने के लिए श्रोता बुजुर्ग 20-20 को पैदल जाया करते। मैं तेरे को सब जानता हूं। देखना पहली कली का वर्णन, ये माँ की गलियां बैर बंधा दे, माँ की गलियां बैर बंधा दे, जब नाश करने की धारे से, बाप की गलियां बैर बंधा दे, छोटी बात बेचारे से, भाई की गलियां बैर बंधा दे, खसम की इज्जत तारे से, और सब झगड़िया ने दूर हटा ब्याही का टक्कर मारे, सो कोस दूर के कर दे, सो कोस दूर के कर दे, उन माँ के जाए भाइया ने, और बड़े बड़े के शर कटवा दिए इन मासूम कसाइया ने। सुन के देख पहली कली सुना दे। बहुत से भाई खंडे वाले
बात के कि मैं सब जानू तरा बीरा का जुन सहो मता, तेरे मता का बीरा पटत नहीं। मता नहीं महाराज, और जो आपने बात बताऊंगी वो बिल्कुल सच्ची बताऊंगी। सच्ची? हाँ। अरे तो सच्चाई तो तेरी रग में ही नहीं है। सुनिए भाई, सच्चाई क्यों नहीं है? बस बस, इनकी नजर भी झूठी, इनकी नजर भी झूठी, देंगी खबर भी झूठी, और पूछ के ने देख लियो बतावा उम्र भी झूठी। इकरार भी झूठा है, इनकार भी झूठा है, तुम धोखेबाज लोगाइयों का तो प्यार भी झूठा है। ओ दादा। अच्छा हाँ, अपनी बात बता दे। सुन फिर बता दे। महल हवेली तना बावड़ी सब तेरी घना विश्वास है। विश्वास? अरे विश्वास का तो भंडार भरा है। ये तो वो है, संदा का शाही लाग सकती है लेकिन पूर्णमल का नहीं। एक बात बता दूं? बता। अरे दिल लगी क्या है, दिल लगा के देख। वाह वाह मीना जी। दिल लगी क्या है, दिल लगा के देख, कभी हंस के तो कभी मुस्कुरा के देख। परवाना जल रहा है, क्यों जल रहा है, अगर ये रात जाना है तो भगवती के लोग खुद को जला के दे। भगवती धर्मशाला ज्ञानी, जलाने से पता चलता है। हाँ। अरे तो वक्त की बातें हैं, तेरा मुकद्दर है, तेरे पिछले जन्म के संस्कार है। किस कि, बात का? कि पूर्णमल ने तेरी तरफ लिखाया। नहीं तो? नहीं तो। अरे हर किसी को नहीं सताते, खबीत का बच्चा, हर किसी को नहीं सताते, हर किसी को नहीं अजमाते, सताते उनको जो दिलों में रहते, गैरों की तरफ तब नजर भी नहीं उठाते। दादा सुन के देखिए। सुना दे। बहुत छे पंडित लक्ष्मीचंद की कविताएं में रहस्य छुपा होता है। तीसरी कलीम का वर्णन देखना, जब बंदर आपस में लड़ते हैं उनकी एकता नहीं होती, चारों का झुंड इधर बैठ जाएगा, चारों का इधर, लेकिन उनकी एकता नहीं होती। कैसे बनाया? कर कल देख सम
हाँ महाराज। तेरी जो गलत नजर है उसको आज भी सही करने मालिक का भजन कर तेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। चार कंधों में। अच्छा महाराज, गलत नजर नहीं, अपने जिसा मत मानना सबने। अच्छा हाँ। अरे नहीं, मैं तेरे को आज भी कहता हूँ ये मेरा फर्ज है, तू सही दिशा पे आ जा, अगत में भी तेरा भला होगा। बिल्कुल सही दिशा पे हूँ। सही दिशा पे है? बिल्कुल। ना ना ना, सही दिशा पे नहीं है। सुन फिर। सुना दे। चौथी कली सुन। सुना दे। और फिर एक बात बताऊं के अगर अब भी नहीं सुधरी मैंने तेरे से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। तो मतलब किसका है? देखिए मतलब भाईचारे से देखना, गाने वाला कुछ नहीं होता, गाने वाला कुछ नहीं होता, श्रोता का दर्जा गाने वाले से 20 गुना ऊंचा होता है। जब गाने वाला गाना गाता है उसके भगवान उसके दर्शक होते हैं। मैंने इनते मतलब भाई मतलब है? करोगे भाई एक काम? देखिए रे पक्का जा रहे हैं। चार तो बहुत हो, चार तो बुरे हूं हैं। देख कितने रहे। अरे फिर गंदारी ने गांव घेर लिया मूर्ख बेटे बनके। अगर सच्चा श्रोता एक भी हो गाने वाला पूरा दिन निकाल देता उसके साथ। देखिए अरे एक बात बताऊं, देखना इनसे जो मांगूंगा वो मिलेगा। मांग के लाओ। अगर मैं मर जाऊं यारो, मरने की बात काय को करता है माइकल। अगर मैं मर जाऊं यारो मेरे सब पे दो फूल चढ़ा देना। अगर ये पूछे मरने की वजह बिन आई मौत बता देना। अगर ये पूछे मिलने की जगह शमशान का रास्ता बता देना। ए मेरे यारो मेरी आखिरी ख्वाहिश मुझे चार कंधों पे बैठा के इसके घर के सामने से गुजार देना। मैं गोली मार दो कमीने को।